मॉर्निंग, मेरा नाम नवेद खान है। मैं सोफिया स्मार्ट सेंटर में एज अ प्रोफेशनल किचन ट्रेनर हूँ। आज की जो हमारी डिश है वो है मटर मशरूम। तो मैं आपको आज पहले कुछ इंग्रेडिएंट दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम अपना आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो मैंने मटर मशरूम के लिए पहले यहाँ पे ये चार प्याज हैं जिनको मैंने एकदम फाइनली चॉप करा है, आप चाहे तो स्लाइस कर सकते हैं। और ये छः टमाटर हैं जिसमें से चार टमाटर मैंने बारीक काटे हैं, चॉप करे हैं, और जो दो टमाटर हैं वो मैंने उसकी प्योरे बनाई है, ठीक है। और थोड़ा फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, आधा चम्मच या एक चम्मच के आसपास ही डालेंगे। और मैंने पहले से मटर को बॉईल करके रखा है, ब्लांच करा है, और ब्लांच करने के बाद इसको ठंडे पानी में डालकर थोड़ा कलर ब्राइट करने के लिए इसको मैंने रखा है। तो इसको पहले से ही बॉईल कर रखा है। ये मशरूम है, मशरूम जो है ये मैंने 1/4 कर रखे हैं, आप चाहें तो हाफ कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको ऐसी एज इट इज़ वॉश कर ऐसे ही साबुत डाल सकते हैं। तेल लिया है वो लगभग 100 ml तेल लिया है। तो अभी हम जब इसमें अपने रिक्वायर्ड जो भी हमारी रिक्वायर्ड होगी तेल की, हम उसके अंदर उतना डालेंगे। हम ग्रेवी के अंदर, वैसे ये ऑप्शनल है, फ्रेश क्रीम, अगर आप ग्रेवी में फ्रेश क्रीम डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो नहीं डाल सकते हैं, जो क्रीम है वो ऑप्शनल है। और इसमें हम 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे। पैन के अंदर, चाहे आप कोई भी बर्तन यूज़ कर रहे हैं, पैन यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी भगोना या स्टील या एल्युमिनियम का बर्तन, आप कोई भी ले सकते हैं। अभी लगभग मैंने इसमें 100 ml में से हाफ ऑयल डाला है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। अब ये हम इसके अंदर 2 चम्मच ज़ीरा डालेंगे, छोटा चम्मच, 2 छोटे चम्मच ज़ीरा। ये जो रेसिपी मैं बता रहा हूँ ये 4 से 6 या उससे ज़्यादा लोग इसको खा सकते हैं, ज़्यादातर इसको 6 लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं, तो आप इतना ही इंग्रेडिएंट 6 लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ज़ीरा भी भून चुका है, अब हम इसमें अपना अनियन डालेंगे। प्याज को जो है हमें गोल्डन ब्राउन करना है। थोड़ा सा प्याज में नमक ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए। अब हम इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। कुछ सेकंड इसको टोस्ट करेंगे, जैसे ये भून जाएगा फिर हम इसमें मसाले डालेंगे।
हमारी प्याज जो है वो भी भुन गई है, और जो इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था वो भी भुन गया है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। मसालों में देंगे मिर्च, मैं ये 1.5 छोटा चम्मच डाल रहा हूँ, हल्दी और धनिया, धनिया हम डालेंगे 2 से 3 टीस्पून, और सॉल्ट जो है वो आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग डालें। सब मसाले भूनेंगे। इसमें जो मिर्च मैं यूज़ कर रहा हूँ वो देगी मिर्च है। इसका टेस्ट, इसका कलर ज़्यादा आता है और मिर्च का फ्लेवर जो होता है वो कम होता है। तो अगर आपके घर आप नॉर्मली देगी मिर्च यूज़ नहीं करते हैं तो आप जो मिर्च यूज़ करेंगे लाल मिर्च पाउडर, उसको थोड़ा कम यूज़ करें अगर वो देगी मिर्च या रंग वाली मिर्च नहीं है तो। मसालों ने तेल छोड़ दिया है तो हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर को बस थोड़ा सा भी पकाएंगे ताकि ये अपना थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दें। फिर उसके बाद जो हमने टमाटो प्योरे डाली है, प्योरे बनाई है, टमाटो प्योरे डालेंगे। इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, डैश ऑफ वाटर। ताकि जो मसाले हैं वो जले ना और टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए। अब इसी स्टेज पे हम, अब क्योंकि पानी जो हमने डाला था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसी स्टेज पे हम ये टमाटो प्योरे डाल देंगे। अभी हमने जो टमाटो प्यूरी और टमाटो डाला है तो टमाटर को हम थोड़ा गलाएंगे और टमाटो प्यूरी को पकाएंगे जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। जैसे ही तेल हमारा ऊपर फ्लोट होना शुरू हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मशरूम, इसके अंदर पहले हम मटर डालेंगे फिर उसके बाद हम मशरूम डालेंगे। जो ऑयल है वो हमारे ग्रेवी के ऊपर आने लग गया है तो अभी हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है आप वो अपने हिसाब से रखिए, आपको ग्रेवी कितनी थिक चाहिए, अगर थिक चाहिए तो आप उसमें पानी नहीं डालिए, इतनी ही चलेगी। और अगर आपको थोड़ी सी इसको पतला करना है तो उसमें थोड़ा पानी डालकर फिर आप उसमें थोड़ा नमक सीजनिंग जो है उसको एडजस्ट कर लीजिए। ये जो हमारा चॉप मसाला है, ग्रेवी जो है ये मैंने थोड़ी, ना तो ज़्यादा मैंने रनी रखी है, ना तो इसमें ज़्यादा मैंने पानी डाला है और ना ही इसको मैंने ज़्यादा थिक रखा है। और आप चाहें तो अभी इसी स्टेज पर, क्योंकि ग्रेवी पक चुकी है, इसी स्टेज पर आप इसके अंदर इसको ठंडा करने के बाद रूम टेम्परेचर पे लाकर ठंडा करके उसको पीस सकते हैं। आप इसको मिक्सी में पीसिए, मिक्सी में पीसने के बाद वापस पैन में डालिए और इसमें मशरूम और मटर को डालकर आप पका सकते हैं। इसके अंदर अपनी ये जो हमने पहले से बॉईल कर रखी है मटर, ये बॉईल मटर डालेंगे। जो हमारी डिश है उसका नाम है मटर मशरूम मसाला।
तो ये जो ग्रेवी है वो मसाला है, इसमें अभी हम थोड़ी सी क्रीम भी ऐड करेंगे, बहुत थोड़ी सी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो क्रीम नहीं डाल सकते, नहीं डालनी है तो आप मत डालिए। जो क्रीम मैंने इसमें ऐड करी है वो ऑप्शनल है। अभी हम इसमें मशरूम डालेंगे, मशरूम डाल के इसको ढककर थोड़ी देर पकाएंगे। और इसमें थोड़ा सा हम अभी इस वक्त पानी भी ऐड करेंगे, लिटिल बिट। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, डैश ऑफ वाटर, मिक्स करेंगे और फिर इसको हम ढककर थोड़ी देर पकाएंगे। हमने इसको ढककर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा पानी डालकर ढककर इसको पकाया था। अब ये एकदम परफेक्टली बन चुका है। अब इसमें बस फाइनल टच देंगे हम, ये गरम मसाला है, सिर्फ 2 चुटकी गरम मसाला डालेंगे, एकदम थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ाने के लिए बस। अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब हम इसके अंदर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो क्रीम से गार्निश कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स, धनिया के पत्ते जो होते हैं उससे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ये आपकी मटर मशरूम मसाला एकदम तैयार है। तो प्लीज़ अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मैं इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगा, आप इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन के अंदर से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।